अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, हो सकता हो दो सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, तीन सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट कई हो सकते हैं ए और बी। मान लीजिए यहां नंबर ऑफ मोल्स दोनों के दिए हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना थोड़ा बहुत तब तक आ गया होगा। मान लीजिए ए के मोल्स दिए हैं एक और बी के मोल्स दिए हैं थ्री, ऐसे अज्यूम कर लिया, तो ए के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ? ए का मोल कितना है वन, टोटल मोल कितने हैं फोर, वन बाई फोर। बी के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ? बी के मोल है थ्री, टोटल मोल्स कितने हैं फोर, थ्री बाई फोर। इस चीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मान लो तीन कंपोनेंट हो ए बी सी, ए के मोल्स है मान लो एन ए, बी के मोल्स है एन बी, सी के मोल्स है एन सी। अब मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस बार क्या करोगे? ऊपर लिख लोगे ए के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स। मतलब नीचे हमें क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर चीज के मोल, देखो ऊपर उसका मोल नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पता चल जाएगा कि टोटल मोल का इसका मोल कितना फ्रैक्शन है। टोटल मोल कितने हैं चार, इसका मोल कितना है एक, तो ये कितना फ्रैक्शन है? वन बाई फोर। जैसे हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ऊपर आ जाएगा एन बी, नीचे एन ए एन बी एन सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ऊपर मोल्स ऑफ सी, नीचे एन ए एन बी और एन सी। अब मोल फ्रैक्शन के लिए केमिस्ट्री में एक सिंबल बनाया, ये इसको बोलते हैं जीटा, जीटा हम लिखते हैं जीटा ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक सिंबल और है ये लंबा सा, एन को खींच दिया, इसको बोलते हैं ईटा, ईटा ऑफ ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ज्यादातर किताबों में जीटा यूज होता है, कई किताबों में ईटा भी यूज होता है, तो दोनों सिंबल जान लो। ये सिंबल किसका है? मोल फ्रैक्शन का, ज्यादातर ये मिलेगा आपको। तो जैसे हम आपसे पूछे बच्चों कि आप हमें जीटा ऑफ सी बताओ कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ऊपर सी के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल। मतलब नीचे आपको क्या रखना है? टोटल मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स, इससे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन।